एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप सभी का स्वागत है लेक्चर 11 मेटल फॉर्मिंग के। और इस लेक्चर में हम एनालिसिस ऑफ रोलिंग करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने एनालिसिस ऑफ रोलिंग किया था, लेकिन वो पार्ट वन था, बेसिक था। इस लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आए उसको कम्प्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा क्या डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये बताया था कि रोलिंग की जो प्रोसेस है किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। रोलिंग प्रोसेस जो है, रोल डाया, रेडियस, रोल रेडियस, फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करती है, ये भी हमने डिस्कस किया था, और मटेरियल फ्लो स्ट्रेस पे, टेम्परेचर, वेदर इट इज हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, और भी ये मेन एलिमेंट है जिन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हमने दो केस करेंगे, हम एक बार फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम निकालेंगे। तो मैट, अब एक चीज हम एज्यूम करते हैं या हमने मान के चले थे कि जो रोल प्रेशर है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, वाई एफ बार। और ये वाई एफ बार क्या है, ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस है किस कंडीशन में, इन प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। किसी को प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में, आप मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया, और पिछले लेक्चर्स में भी ये काफी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और ज्यादा कंफ्यूजन है तो वाई एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 ऑफ वाई, और वाई क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ओके, तो यहां से हम रोलिंग फोर्स निकाल सकते हैं, रोलिंग फोर्स, क्योंकि आप प्रेशर निकाल चुके हो तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से ये जो वैल्यू आती है रोलिंग फोर्स की, वाई एफ बार ओके इंटू एरिया, तो एल पी जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इंटू डब्ल्यू एम। एलपी क्या है, अब ये जो हमने लेंथ निकाली थी उसकी, आर्क जो बन रहा था वहां पर उसकी लेंथ निकाली थी, और डब्ल्यू एम क्या है, यहाँ पर एवरेज विड्थ ऑफ द स्ट्रिप है। ये सब चीज मैं नोट कर देता हूं, एवरेज विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। ओके, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये क्या, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। जल्दबाजी ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है इसमें। अच्छा, एलपी भी हमने पिछले लेक्चर में निकाल लिया था, जिसकी वैल्यू आई थी आर अंडर रूट एच। पिछला लेक्चर देखना, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये इक्वेशन किसके लिए, सिंगल रोल के लिए है, जब सिंगल रोल हो रहा हो, दिस इक्वेशन इज फॉर सिंगल रोल, ये नोट्स में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन से एक चीज कर सकते हैं कि जो रोलिंग फोर्स आया है वो किस पे डिपेंड करता है। रोलिंग फोर्स इंक्रीज करता है अगर मैं रोल रेडियस को इंक्रीज करूं, है ना, इंक्रीज इन रोल रेडियस से रोलिंग फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे आप डेल्टा एच को भी बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो यहां से हम एक केस में आपको बता देता हूं कि जो रोलिंग फोर्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है आर और चाहे डेल्टा एच को ले लो, धीरे 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 करके क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर, ये ग्राफ हमने यहां से सीख लिया। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम कोल्ड रोलिंग में जहां पर
वर्क हार्डनिंग होती है, तो वहां पर देखो है केसेस वैसे ही जो हमने फॉर्जिंग में पढ़ा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ये चीजें, जहां पर एवरेज जो फ्लो स्ट्रेस है वो ट्रू स्ट्रेन के केस से निकलेगी। ठीक है, मैं अगर इस बात को लिखूं टेक्निकली कि द एवरेज फ्लो स्ट्रेस बेस्ड ऑन ट्रू स्ट्रेन ड्यूरिंग रोलिंग। अब उसके लिए हमें पता है कि ये किसकी, ये क्या मैंने बात कही कि ये पावर लॉ को फॉलो करता है, प्लास्टिक स्ट्रेन और स्ट्रेन, मतलब प्लास्टिक स्ट्रेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जो ये रिलेशन है ये कौन बताता है, पावर लॉ बताता है, जिसकी वैल्यू होती है के स्ट्रेंथ कोफिशियंट होता है, ये ट्रू स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेस एन एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस कैसे आती है इस केस में, ये भी हमने निकाल रखा है, पाई एपर के एप्साइलन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले से अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी। और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, एल एन एच नॉट अपॉन एच एफ। तो इन सब के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, ये स्ट्रेन वगैरह निकाल के आप रोलिंग फोर्स निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई एफ डैश जो आपने ये निकाली है। ओके, एवरेज फ्लो स्ट्रेस ये तो देखो होगा ही, विड्थ से इसकी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली इक्वेशन क्या है कि जब मटेरियल वर्क हार्डनिंग करेगा, और कोल्ड रोलिंग में तो कंसिडरेबली वो वर्क हार्डनिंग होती ही है, तो ये इक्वेशन ज्यादातर किसके लिए, कोल्ड रोलिंग के लिए है। ठीक है, और ये जो मीन फ्लो स्ट्रेस हमने किस कंडीशन से निकाली, प्लेन स्ट्रेन कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, और हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि रोल में अंदर कोई भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, रोलिंग रोल में, इन रोल्स नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स, ये अजम्पशन है। ये क्वेश्चन आपसे एसर्जन रीजन में पूछ सकते हैं, ये कोई भी एक नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, ओके, अब हम और अपने लेक्चर को और अच्छा बनाते हैं और पढ़ते हैं जो अब ये एनालिसिस होती है। अब ये जो फॉर्मूलेज आते हैं इसमें आपने देखा होगा एवरेज प्रेशर निकालने का, और उसके हेल्प से आपको फोर्स वगैरह निकालनी हो, जैसे रोलिंग फोर्स निकालनी हो और आपको प्रेशर निकालना हो। ठीक है, तो वो कहां से इक्वेशन आती है, वो स्लैब एनालिसिस से आती है। किससे आती है, स्लैब एनालिसिस से। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, हेडिंग डालिए आप साथ में। ये मैं स्लैब एनालिसिस, अब देखो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, आई इसमें है इम्पोर्टेंट, फिर भी मैं इसमें मेन मेन पॉइंट ही बताऊंगा, तो कि जल्दी से जल्दी टॉपिक खत्म। स्ट्रिप रोलिंग, अब हम पढ़ेंगे विद फ्रिक्शन, अभी तक तो फ्रिक्शन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। ठीक है ना, अब हम फ्रिक्शन के इन्वॉल्वमेंट को पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं पहले थिकनेस कितनी थी, एच नॉट, और बाद में कितनी हो जाती है, एच एफ हो जाती है। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो रोल और वर्क के बीच में, रोल एंड वर्क हैज स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद कांस्टेंट म्यू। असम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये भी हम मान के चलते हैं कि जो रोल प्रेशर है, रोल प्रेशर दैट वी हैव टेकन इट एज पी इज कांस्टेंट ओवर द आर्क। इसको हल्के में मत लेना कि ये अजम्पशन ऐसे ही है, इज कांस्टेंट ओवर द आर्क। जब कोई देखो ऐसा है ना कि फॉर्मूले लिखवाने बहुत आसान थे, वो लेक्चर बनाने का फायदा क्या था फिर,
इसीलिए मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूले भी फिर जबान पे रहते हैं बिल्कुल। फॉर्मूले याद करने से देखो फिर जरा सा भी क्वेश्चन घूमा ना तो फिर आप हिल जाओगे। इसीलिए प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि कब कोल्ड रोलिंग लगेगी, कब एवरेज शियर एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालनी है, कैसे निकालनी है, ठीक है ओके। और कौन सा स्ट्रेन है, प्लेन स्ट्रेन को हमने कंसिडर किया, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि विड्थ डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन विड्थ डायरेक्शन में नो स्ट्रेन, यही तो मतलब होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। और रोल कोई भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है वर्क का, ठीक है। क्या क्या हम मान के चले, देयर इज नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और जो वर्क का डिफॉर्मेशन हुआ है प्लास्टिकली इज होमोजीनियस। छह सात पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं, ज्यादा ज्यादा दो मिनट लगेंगे लेकिन आपको पता लगेगा कि किस एनालिसिस से, किस अजम्पशन से हम ये चीज सॉल्व करते हैं, ओके। और जो कॉन्टेक्ट सरफेस है रोल और वर्क पीस के बीच में वो वही होता है एलपी इंटू डब्ल्यू एम। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन द रोल एंड द वर्क पीस, ठीक है ओके। इस चीज के लिए सबसे पहले मैं आपको जो भी कॉन्टेक्ट लेंथ है उसको मैं हाफ हिस्सा लेता हूं, जैसे मैंने हर बार बताया है, ठीक है। अगर पूरी कॉन्टेक्ट लेंथ एलपी थी तो हम हाफ हिस्सा लेते हैं एलपी बाय टू, ठीक है। और एक छोटी सी थिकनेस हम मान लेते हैं यहां पर, स्ट्रिप मान लेंगे, ठीक है। और अगर मैं एक स्ट्रिप मान के आपको स्ट्रेसेस का एनालिसिस कर रहा हूं तो वो देखिए, एक तो ये रोल प्रेशर ऐसे लगेगा पी, ओके। अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो यहां पर मान के चलेंगे कि डी सिग्मा एक्स लग रहा है, और यहां पर क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, ओके। और एक और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस कहां लगती है, म्यू पी, ये तो शायद आपने पहले भी देखा होगा यूपी। और ये जो थिकनेस है डीएक्स है, और ये डीएक्स लेंथ ही ली है मैंने, क्लियर। और इसकी जो हाइट है इसको हम एच मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया ये एच ही है, समझ आ ही रहा होगा आपको ये एच है। और एक चीज हम मान के चलते हैं कि इसकी जो इस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो यूनिटी है, मतलब ठीक है। ये सब एनालिसिस करना पड़ता है, अब मैं पूरा जल्दी से इसमें बताऊंगा। इसके बाद हम फोर्सेस देखेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे, फोर्स के बैलेंस करने के बाद एक इक्वेशन लगाएंगे हम, ठीक है। और अगर हम यहां से पूरा सॉल्व करके लास्ट में जो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो पी अपॉन वाई डैश, P अपॉन वाई डैश की वैल्यू आती है e की पावर 2 म्यू x अपॉन h। P तो देखो रोल प्रेशर है ना, y डैश क्या है, प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस है, प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस, ओके। तो यहां से सॉल्व करके आती है ये वैल्यू, ठीक है। और एंड कंडीशंस वगैरह लगा के, ओके। तो अब इसके बाद अगर आपको इस इक्वेशन में आपको एवरेज प्रेशर निकालना है, एवरेज प्रेशर निकालने का क्या तरीका है, किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज प्रेशर निकालना है, और ये किस चीज पे वैरी कर रहा है, एक्स पे वैरी कर रहा है, तो देखो एलपी बाय टू वन अपॉन एलपी बाय टू जीरो से इंटीग्रेशन एलपी बाय टू, ठीक है। और P इंटू डी एक्स किसी भी चीज का, क्योंकि ये कैसे वैरी कर रहा है, x के अलोंग वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हिस्सा आ जाएगा, एवरेज प्रेशर आ जाएगा। तो ये 2 अपॉन LP हो जाएगा, P बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये P की वैल्यू आपने निकाल ही दी है, y डैश के टर्म्स इसमें e की पावर 2 म्यू x के टर्म्स में निकाल देंगे,
ठीक है, तो वन अपॉन यानी कि टू अपॉन एलपी आ जाएगा, जीरो से लेके एलपी बाय टू हो जाएगा, और पी की वैल्यू अभी के अभी आपने निकाली है वाई डैश इंटू डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। तो यहां और अपर और लोअर लिमिट लगाने के बाद यहां पर जो इक्वेशन आएगी पी बार, अब ये पी बार का मतलब क्या है, ये वेक्टर नहीं है, पी बार है, ये एवरेज प्रेशर है, ठीक है, इसका काम आएगा अब ये एवरेज प्रेशर ही, जब हम रोल फोर्स निकालेंगे तो एवरेज प्रेशर का ही इस्तेमाल करना होगा हमें। ओके, तो ये वैल्यू आई है, ये जो प्रेशर आया है आपका, ये एवरेज रोल प्रेशर आया प्लेन स्ट्रेन रोलिंग प्रोसेस में, जिसमें हमने की जनरल इक्वेशन निकाल दी। ओके, और इस चीज को आप नोट करें कि जो ये एच बार क्या है, ये एवरेज थिकनेस है, दैट इज एच आई प्लस या एच एफ प्लस एच नॉट बाय टू, दैट इज एच बार। तो इसको फॉर्मूले को आप नोट कर लें, ठीक है, एवरेज प्रेशर आपको पता लग गया वो कैसे आया ये, ठीक है, बड़ा सिंपल है, वही जिस तरह से हमने फोर्जिंग में निकाला है, आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर, सेम ही इक्वेशन आएगी वैसे ही, क्योंकि जब मैंने ये स्ट्रिप वगैरह मानी है ये वैसे ही मानी है उसी तरीके से, क्लियर। और जो y डैश की वैल्यू नहीं आपने भूलनी है, 2 बाय रूट 3 इंटू वाई, इन सब का इस्तेमाल होगा आपका न्यूमेरिकल्स में, और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, और बस उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह करके एंड कंडीशन लगे, जैसे हमने फोर्जिंग में किया था उस तरह से ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर जो भी मैंने अब तक पढ़ा है, इसमें इसने क्या कहा है, कोई 35 mm की थिक स्टील स्लैब है, 35 mm की, उसको हॉट रोल्ड किया है, हॉट रोल्ड, ठीक है, और कितना कितना कितने mm से, 900 mm रोल है और हॉट रोल्ड किया है, साथ साथ क्वेश्चन नोट करते रहे, हॉट रोल्ड किया है। अब इसने क्या कहा, देर इज 40% रिडक्शन ऑन द थिकनेस, उसके बाद इसने म्यू की वैल्यू भी दे दी है 0.5, और मटेरियल फ्लो स्ट्रेस जो इसने दी है अब वो कहा है 200 MPa एंट्रेंस में थी, एंट्रेंस में, और उसकी वैल्यू जब वो एग्जिट करती है रोल में, एग्जिट में वो 280 MPa हो जाती है मटेरियल फ्लो स्ट्रेस जो है। ओके, इसने कहा है रोलिंग लोड निकालो, अब जरा व्हाट इज द रोलिंग लोड, रोलिंग फोर्स बोल सकता है जो भी आपने, बाय द मेथड ऑफ स्लैब एनालिसिस, जो भी हमने अभी स्लैब एनालिसिस किया है, पुराने सालों में आईईएस का मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमारा रिजल्ट पक्का क्लियर होगा। इसने विड्थ भी दी है 800 mm की, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया जो ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस है, अब ये हॉट रोलिंग वाला केस है तो यहां पर कोई स्ट्रेन हार्डनिंग वाला एक्सपोनेंट वगैरह चक्कर तो कुछ है नहीं, ये क्या होगी 200 + 280/2, ये एवरेज स्ट्रेस है ना, तो ये कितनी आएगी 240 MPa, पहला बड़ा पड़ाव तो हमने यही पार कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि यहां पर हमें एवरेज रोल प्रेशर निकालना है, तभी तो रोलिंग लोड निकलेगा, उसके लिए बड़ा सिंपल जो भी हमने अभी तक पढ़ा इस लेक्चर में, पी बार अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू
एच बार अपॉन म्यू एल पी, और ये मैं फिर बता दू ये अप्रोक्सीमेट मेथड है ना, क्योंकि जो एक्यूरेट मेथड है वो तो बहुत लेंथी है, वो ना आने वाला है। ओके तो ये जो एच बार आ गा, अच्छा अब एक और बात कि भाई अगर आपकी कितने की थी ये लेंथ स्टार्टिंग में, 35 mm की थी, तो वो एच नॉट थी जो 35 mm थी, अगर इसका 40% रिडक्शन कर दो तो इसको 35 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये एच एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 mm आ जाएगी। सही बात है ना, इन दोनों को करके ठीक है, तो यहां से एच बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो, तो वो कितनी आ जाएगी, 28 mm आ जाएगी। मुझे लग रहा है समझ आ ही रहा होगा ठीक है। अच्छा अब मुझे पता है कि यहाँ पर एलपी की जरूरत है, एलपी की जरूरत है ना, एलपी की वैल्यू क्या होती है, आर रूट एच अंडर रूट में, सही बात है। अच्छा अंडर रूट एच क्या है, चेंज इन थिकनेस, ये भी हमने निकाल दिया कि फाइनल थिकनेस इतनी है, ये इतनी है, फाइनल इनिशियल इतनी है, तो रूट एच 14 हो गया। रोल का हमें डायमीटर दिया है तो उससे हम रेडियस निकाल देंगे, तो यहां से हमारी जो भी वैल्यू आएगी ओके वो एलपी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर समझ आ रहा है ठीक है। और ये अब यहां पर देखो एच बार आपने निकाल दिया, म्यू की वैल्यू 0.5 ये भी निकाल दिया, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल है और कुछ नहीं है, सब चीज हमारे पास है। यहां से आपकी पी बार की वैल्यू आ जाएगी, वो मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, वो आएगी आपकी 205.73 मेगापास्कल। लेकिन इसने पूछा क्या हमसे, तो बस कुछ नहीं, 205.73 इंटू एलपी इंटू डब्ल्यूएम, ये होता है बस रोलिंग फोर्स, ये 800 दी है, ये भी आपने निकाल दिया है यहां से, ये आती है 112 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है 25 एलपी की वैल्यू, यहां से आप रोलिंग फोर्स निकाल सकते हैं ठीक है समझ आया। अब हम अब अगला टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम एनालिसिस, जो एक्यूरेट एनालिसिस है उसको देखेंगे कैसे वो आया है, और उसके बाद उसके ऊपर कौन कौन से कंसेप्ट बन सकते हैं। ओके अब हम इसका जो करेंगे एक्यूरेट मेथड को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने अब तक ये पढ़ा था कि जो डिफॉर्मेशन जोन है वहां पर हमने जो रोलिंग लोड वगैरह निकाला और बहुत सारी अजम्पशंस मान के चली थी ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेसेस इसके बीच में लग रही है, और हमने ये बेसिकली हम ये मान के चले हैं कि जो विड्थ वाली डायरेक्शन में है, विड्थ वाली डायरेक्शन वहां पर मतलब वहां पर कोई भी स्ट्रेन नहीं हो रहा, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट है। अब मैंने पिछले लेक्चर था उसमें आपको बताया था न्यूट्रल पॉइंट से पहले फ्रिक्शनल फोर्स है वो हेल्प करेगी, और आफ्टर दैट इट विल अपोजिट, या अगर मैं एलिमेंट कोई भी बनाऊं इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ स्ट्रेसेस लगती कहाँ, उसके बाद हमने फॉर्मूले इसके डील करने, सिग्मा एक्स प्लस डी सिग्मा एक्स जैसा अब तक हम करते हैं देखो ठीक है ना। और ये वाली जो ये एच प्लस डी एच है, पहले हमने क्या माना था पूरी पूरी लेंथ को एच ही माना, लेकिन कुछ ना कुछ एच में भी तो चेंज आएगा ना, है ना, लेकिन एग्जैक्ट ये कंडीशन है। और यहां पर रोल प्रेशर ऐसे, क्योंकि हमने बस ऐसे मान लिया था स्ट्रिप, ऐसे थोड़ा होगा असलियत में, तो ऐसे होगा, और स्टार्टिंग में जो ये म्यू पी की वैल्यू लगेगी ऐसे लगेगी म्यू पी की वैल्यू, ये क्या है एलिमेंट बिफोर न्यूट्रल पॉइंट, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में। ओके ओके
उसके बाद ये बिफोर न्यूट्रल पॉइंट है और आफ्टर न्यूट्रल पॉइंट जो है वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, म्यू पी ऐसे लगेगा अगर रोल प्रेशर ऐसे लग रहा और डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। और उसके बाद हमने यहां पर फोर्स को बैलेंस करना है, जैसे कि हमने अब तक फोर्जिंग वगैरह में भी किया था। और यहाँ पर दो ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है हमारे पास, एक तो रोल प्रेशर और सिग्मा एक्स, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें वॉन मिसेस एनालिसिस लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा वन माइनस सिग्मा रूट थ्री बराबर, ये वॉन मिसेस एनालिसिस है ना। और यहाँ पर दो ही है, तो पी माइनस सिग्मा एक्स इक्वल्स टू, और इस चीज को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। क्लियर समझ आ रहा होगा आपको ये चीज तो, ठीक है, क्योंकि हम फोर्जिंग में मैंने इसीलिए टाइम लगा के ये सब चीजें अच्छे से बताई थी। देखो जितना इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर ये इसका प्रूफ कराने लग जाऊं, कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है मैं उसी चीज की कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक भी मतलब ये चीजें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, तो इसमें यहाँ पर जो पी की वैल्यू आती है, पी की वैल्यू जो आती है वो आती है ए वाई डैश। अब इस चीज को नोट करो सॉल्व करके, एच अपॉन आर ई की पावर प्लस माइनस म्यू एच, ठीक है। जो एच होता है वो क्या होता है, टू अंडर रूट, ये चीज नोट करने वाली है, ठीक है। ये सॉरी एच एफ आएगा यहां पर, एच एफ टेन इनवर्स आर अपॉन एच एफ इंटू थीटा, ठीक है। इसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन से लगा देते हैं, ठीक है, रोल प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। ये ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, और यहाँ एच की वैल्यू ये होती है, ठीक है, ये याद रखना है एच की वैल्यू, ठीक है। अब हम रोलिंग इसमें जो लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन क्या है, जो स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू क्या होती है, एंगल ऑफ बाइट, तब एच की वैल्यू क्या होगी, एच नॉट, ठीक है। और जो एग्जिट कंडीशन में थीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब डिफॉर्मेशन खत्म हो गया, तो उस टाइम पे एच की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन लगाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एंट्री के दौरान, ड्यूरिंग एंट्री, यानी कि जब आपने उसमें अल्फा रखा है और एच को एच नॉट रखा है, तब पी की वैल्यू जो आएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सब चीज आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी है, ये ड्यूरिंग एंट्री है, ओके। और एग्जिट के दौरान पी की वैल्यू क्या आएगी, इंटू मल्टीप्लाई ई की पावर म्यू एच, एच की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है ना। और यहां से हमें यह भी पता लगता है, जो लोकल रोलिंग प्रेशर है वो एंगुलर पोजीशन के, जो सेक्शन का एंगुलर पोजीशन है और हाइट पे, दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि एच क्या है, एच किस चीज पे डिपेंड करेगा, एच में थीटा भी आ रहा है ना, तो एंगुलर पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये R अपॉन एच एफ का जो रेशियो है, इस पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये उसी तरह से है जो A अपॉन एच नहीं था फोर्जिंग में, अब आपको देखना पड़ेगा पुराना लेक्चर, A अपॉन एच था फोर्जिंग में, उसी की तरह ही है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब A अपॉन एच का रेशियो इंक्रीज करता है तो रोलिंग प्रेशर इंक्रीज करता है, फोर्जिंग प्रेशर इंक्रीज करता है, पुराना लेक्चर देखना आप एक बार, ठीक है। इसी तरीके से ये R अपॉन एच एफ का रेशियो है, क्लियर। तो ये जब R अपॉन एच एफ का रेशियो इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली H इंक्रीज करेगा तो रोलिंग प्रेशर इंक्रीज करता है। तो हमें तो मेन काम है रोलिंग प्रेशर निकालना, ये बड़ा सिंपल है। रोलिंग प्रेशर आप निकाल चुके, रोलिंग फोर्स निकालना, बिगर पार्डन, टोटल रोलिंग फोर्स,
अच्छा ज्यादा से ज्यादा किस्मत अच्छी हुई तो आपको ये सब फॉर्मूले दे के भी रख सकता है, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज में कई क्वेश्चन देखे जो बड़े फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट दे के रखते हैं, तो आपको लेकिन अप्लाई करना तो आना ही चाहिए ना। तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे जो जो फोर्स है हम निकाल देंगे आर इंटू बी जीरो से लेके अल्फा, क्योंकि अब ये थीटा वगैरह पे डिपेंड करने लगा और प्रेशर की वैल्यू भी थीटा के टर्म्स में है, बी के हमारी विड्थ है, आर रोल रेडियस है, क्लियर। तो यहां से हम ये चीज निकाल सकते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रल पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे आया। अब हमने पी की वैल्यू निकाली थी एंट्री और एग्जिट के बीच में है ना, तो इसके हेल्प से इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उस पॉइंट के बाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से सॉल्व करके इक्वेट करके न्यूट्रल पॉइंट को रोल प्रेशर में रख देंगे और उसके बाद निकालेंगे वैल्यू। बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये एंट्री और एग्जिट को दोनों के प्रेशर को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बराबर ही होंगे ना, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। जब हम इन दोनों को बराबर कर देंगे वाई डैश कैंसिल होगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, एच एफ अपॉन एच नॉट आ जाएगा, और एच नॉट तो ऐसे ही रहेगा, एच की जगह हम क्या रखेंगे, एच एन रखेंगे। वो एच एन ही तो है जो हमें पोजिशन बताएगा कि उस टाइम पे कितना है। तो बड़ा सिंपल है, जब हमने इनको दोनों को बराबर कर दिया तो यहां से जो एच एन की वैल्यू आई, एच की जगह हम क्या रख देंगे, मैं रिपीट करता हूँ, एच एन रख देंगे, यहां से एच नॉट वगैरह के टर्म्स में आएगी वैल्यू 1/2। अब ये क्वेश्चन आ सकता है गेट में, हर बार कुछ ना कुछ अलग ही आता है, ये मत भूलना, ठीक है। ये पोजिशन किसकी आई, जैसे कि हम स्लाइडिंग और स्टिकिंग जोन में नहीं करते थे कि एक एक आर एस या स्टिकिंग लेंथ निकालने के लिए, उसी तरीके का है ये भी, सब चीज सेम है, वैसे का वैसा ही है, ठीक है। और जब हम इसके लिए हम थीटा एन भी निकाल सकते हैं उस इक्वेशन में जो हमने निकाली थी, अभी जो इक्वेशन निकाली थी, क्योंकि एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर अपॉन एच एफ एन इनवर्स आर अपॉन एच एफ इंटू थीटा। कहीं कहीं जगह पे ना, मतलब जो अच्छी बुक्स हैं उसमें आर अपॉन एच एफ को कुछ भी एक पर्टिकुलर टर्म मान ली है, बीटा अल्फा जो भी है, तो टू अगर मैं इसको अल्फा टेन इनवर्स अल्फा थीटा मान लू इक्वल्स टू एच। अब एच, अब ये जो मैंने बताया आपको क्या निकालना, थीटा एन निकालना है, तो एच की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, थीटा की जगह आप थीटा एन रखोगे तो एच की जगह एच एन रखना होगा, और एच एन आप निकाल चुके हो, तो यहां से सॉल्व करके आपकी जो थीटा एन की वैल्यू आती, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करें, याद रखें ये एच एफ अपॉन आ रहा है, वो आर अपॉन एच एफ है। ये देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक एच एन का फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। और ड्यूरिंग एंट्री ड्यूरिंग एग्जिट आपको ये याद रखना है, ठीक है, बस यही सब चीजें मैंने बताई। अब ये चीज आपको लगेगा कि यार अब न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसमें आएगी वैल्यू, और स्लाइडिंग केस में ये कैसे वैल्यूज आएंगी, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, लास्ट में जो एवरेज रोल प्रेशर का जो फॉर्मूला आपने इसको निकालना है, इसको इसके हेल्प से हमने निकाला है एवरेज, अब इसको नोट कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एवरेज रोल फोर्स। इसकी वजह से कि फोर्जिंग में भी ऐसा ही आया था, एल डब्ल्यू वाई डैश बार वन प्लस म्यू एल अपॉन एच एवरेज। ये किसके लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए ये केस है। अभी मैं एक एक चीज आपको इसमें सॉल्व करके बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें आपसे
पूछा है, इसने आपसे क्वेश्चन, अब आप नोट करें, इसने निकाली पूछी है रोलिंग पावर बताओ। और इसने डायमेंशन दी है शीट की, 250 mm वाइड है, 12 mm थिक है, ठीक है, और फाइनल थिकनेस 9 mm है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा है रोल और वर्क के बीच में, और म्यू की वैल्यू 0.12 दी है। जो रोल रेडियस है वो 250 mm दिया है, और स्पीड की वैल्यू दी है 300 rpm। इसने जो स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है के, वो 550 MPa दिया है, और n इक्वल्स टू 0.6 दिया है फॉर स्टील, जो भी है मटेरियल है। ये सब वैल्यूज यहाँ पर दी है, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब भी आपको आए तो आपको ट्रू स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है इन केसेस में, जिसकी वैल्यू होती है H0/HF, ठीक है। H0 आपने देख लिया 12 है, और ये क्या है 9 है, तो यहाँ से सॉल्व करके ये जो ये आती है ट्रू स्ट्रेन आ जाता है आपका यहाँ से। उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको एवरेज फ्लो स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वैल्यू ये होती है, या कहीं कहीं जगह पर ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है K/(n)/1+n। सब कुछ गिवन है, के भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, ये निकाल दिया, एन आपको गिवन है, तो यहां से ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी। ये अब जल्दी से स्पीडली करना होता है गेट के पेपर में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एक तरह से एवरेज फ्लो स्ट्रेस है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये जो आई है वाई डैश एवरेज फ्लो स्ट्रेस है। बट आपको यहां पर कौन सी स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, जो भी आपको निकालना होता है रोल फॉर, प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है। तो फ्लो स्ट्रेस निकाली है आपने, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, लेकिन प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस किसके हेल्प से, वॉन मिसेस एनालिसिस से आपको निकालनी पड़ेगी, जो भी आपके फॉर्मूले में इसमें इस्तेमाल होती है, वाई डैश बार, ये एफ है, है ना, ये एफ है, याद रखना इस चीज को, है ना, ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस है। ओके, तो यहां से सॉल्व करके ये कितनी है, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ रही 364 pounds। देखो गलती होने के कितने चांस थे यहाँ पर, ये आप एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकाल, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज की जरूरत पड़ती है, वाई, ये वो वाला वाई डैश है, ठीक है। एच एवरेज की वैल्यू क्या होगी, एच आई एच नॉट प्लस एच एफ बाय टू, तो 12+10.5 आ जाएगा ये। एल की वैल्यू क्या होती है, आर रूट एच अंडर रूट में, ये भी आप निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करके 27.2, ये आप अब एक बार चेक कर लेना, जल्दी जल्दी निकालना है। अब वो जो रोलिंग फोर्स है, अभी हमने निकाला, ये समझ आ गई बात, ये क्या है, प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस है ये, W आपको दिया है, L आपने निकाल दिया, म्यू भी दिया है, L भी दिया है, ये निकाल दिया, H एवरेज भी आपने निकाल दिया है। तो यहां से आप एवरेज रोल फोर्स इस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे, क्लियर। म्यू के हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है पता लग गया होगा आपको यहां से, तो इसकी वैल्यू 2.9 MN आएगी, आप चेक करके देखना, आइए नहीं कमेंट करके बताना। लास्ट में इसने आपसे क्या पावर पूछी है, ना पावर पूछी है, कोई बात नहीं, उसके लिए आपको रोलिंग टॉर्क निकालना होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, अभी तक वैसे मैंने इसमें नहीं बताया, बट चलो फिर भी इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसकी वैल्यू क्या होती है, FL/2। ओके, तो वो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क के हेल्प से ओमेगा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो चलो आप यहाँ पर फोर्स ही, क्योंकि अभी तक मैंने वो टॉपिक नहीं करा है, रोल फोर्स ही आप देख लो कि रोल फोर्स आपसे पूछा है, ठीक है। जब टाइम आएगा तो मैं इसमें आपको पावर और टॉर्क निकालना भी सिखाऊंगा, बट इस क्वेश्चन में आपसे समझ लो कि बस फोर्स पूछा है, ठीक है, पावर वगैरह भी देखेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो टॉपिक कराया नहीं, एक एक करके ही होगा, काफी लेंथी लेक्चर हो गया अभी।
और मतलब आपको रोल फोर्स जो है एवरेज रोल फोर्स उसके बारे में ये फॉर्मूला लगेगा जो फ्रिक्शन के हेल्प है ना, विद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो मैंने बताया ये जो केस है ना ये वाले एक्यूरेट वाले ये आपसे पूछ सकते हैं जब आप फॉर्मूला गिवन होगा क्वेश्चन में ही, बड़ा बड़ा सा फॉर्मूला गिवन होता है उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। और आपको जैसे आपको ये दोनों फॉर्मूले गिवन है और आपसे न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू पूछ ली तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, गिवन होने के बावजूद भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी थोड़ा सा बचा है इसमें जिसमें हम पावर और टॉर्क निकालना सीखेंगे फोर्स निकालने के बाद, और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं गेट में जितने भी आए हैं, ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस, चाहे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल में जो PI ब्रांच है उसमें आए हैं या गेट में आए हैं, सभी स्ट्रीम के हम लगभग 9-10 क्वेश्चन करेंगे रोलिंग के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में। उसे फिर हमारा रोलिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला इसमें ऑपरेशन वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन को कंप्लीट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये Y-Y-bar पे बहुत ध्यान दिया, बाकी वायर ड्राइंग वगैरह मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इन सब चीजों को। ओके, तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।